ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं यार। देखिए पीछे भेजना पड़ेगा प्रशासन को ताकि कुछ माली जो फूल वाले माली हैं उनका व्यवस्था कर दे। केसारी भैया आप एक दो लोगों की वजह से ये सारी चीजें व्यवस्था खराब होगी, देख रहे हैं ना। चार ही पांच दस लोग होंगे लेकिन 50 लोग मिलकर पूरे नेपाल को बदनाम करने पर लगे। ये कितना गंदा काम है इनका। और लोग को थोड़ा सा प्रशासन देख लीजिए, अगर आप आगे से आ सकते हैं तो आ जाइए। इतना खर्चा हुआ है तो आप लोगों के लिए हुआ है ना। कुछ प्रशासन नहीं, आप लोग बैठिए, बस प्रशासन को भेज दीजिए, आप लोग बैठिए, वो कुछ ही लोग हैं। हेलो मैं मुन्ना कमरेड डीएसपी साहब जहां बोली उनजा सुरक्षा को लगी आई दिन मैं मुन्ना कमरेड मोरंग जिला इंचार्ज प्रदेश नंबर एक हजूर युवा सरकार उनजा तो पहले स्टेज में आई दिन बड़ी पर 50 सुरक्षा मिला दिन बड़ी सा यह जंजारू डायरेक्टर पर गरी रहा कुछ हजूर का क्षेत्र में सुरक्षा काम रहा उन्होंने पर आप लोग ऐसे करिएगा ना तो मुझे नहीं लगता कि नेपाल में दोबारा कोई आर्टिस्ट आएगा, कोई कलाकार आएगा। आप अपने पूरे राज्य को बर्बाद कर रहे हो, अपने देश को बर्बाद कर रहे हो। यहाँ रहते हो और आप यहीं के फंक्शन को आप बर्बाद करने पर लगे हुए हो। मुझे तो लगा था कि शायद मैं यहाँ जाऊंगा तो दोबारा जो चीजें हुई थी वो चीजें खत्म हो जाएगी, फिर से एक नए सिरे से हम चीजों को करेंगे और लोगों का प्यार पाएंगे। अगर मैं डरता तो यहाँ नहीं आता। मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, इसीलिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा कर दोबारा खेसारी लाल यहाँ पे आया। आई लव यू भैया, आई लव यू। नहीं तो अगले कार्यक्रम में कम से कम 2 करोड़ रुपया बर्बाद मेरा हुआ था। उसके बावजूद भी मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ आया कि कम से कम वो जो पिछली गलती हुआ था उसमें किसी का दोष नहीं था, ना मेरा था। मैं होटल में बैठा रहा, सुबह 7 बजे से लेकर 2 दिन तक मैं यहीं पे रहा, लेकिन प्रशासन की अपनी प्रॉब्लम थी, प्रोटोकॉल था, कोरोना में चीजें नहीं हुई तो उसमें कोई दोषी नहीं था। लेकिन इस बार अगर व्यवस्था अच्छा है तो कम से कम इसका एंजॉय करिए आप लोग। आप लोग अपनी जिन चीजों को तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता इसका। ये कार्यक्रम हुआ है तो फ्री में तो हुआ नहीं है, सबने खर्चा किया है, सबका फाइनेंस लगा है सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। वही मैं कह रहा हूं, आपका तो पानी से लगा है और जिसका 2 करोड़ लगा है उसका क्या। हाँ भैया जियो। तो हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, हम सबको चंदा देकर एक अच्छा कार्यक्रम कराना है ताकि सब लोग एंजॉय कर सके। आप अपने बेटा को देख सके, अपने भाई को देख सके, यही ना। इसीलिए मैं भी आया ना इतने दूर से। अब बस प्रशासन थोड़ा सा पीछे रखिए, आई पीछे में स्टेजवा के पीछे में रखिए। हाँ अब